नमस्ते इंडिया, मेरा नाम राजीव बसुमतारी। बोरो गरीब घर चैनल में फिर से आप लोगों को स्वागत है। माय व्यूवर्स, माफ़ कीजिएगा, चश्मा इसलिए लगाया हूँ, आंखें ख़राब है। ये पहले हुआ, ये ठीक हुआ, अब राइट हैंड साइड में थोड़ा ख़राब है, इसलिए चश्मा लगाया हूँ। सो बाय द वे, आज मैं बात करूँगा फेसबुक यूज़रों के लिए जो फेसबुक यूज़ करते हैं। हम लोग फेसबुक सेटिंग में एक छोटा सा ऐसी गलती कर देते हैं, उसमें जो गलत व्यक्ति होते हैं, गलत लोग जो होते हैं, उसमें हमें फिर टैग कर देते हैं। टैग वो भी कौन सी, गलत वीडियो, गलत फोटो। क्योंकि हम ऐसे गलती कर देते हैं कि छोटी सी गलती के लिए हमें वो बंदा हमें टैग कर देते हैं और हमारी प्रोफाइल में जाके ऐड हो जाता है। माय व्यूअर्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जो व्यक्ति गलत सोच है, उनका विचार बिल्कुल गलत है, हमेशा गलत ही सोचता है, वो गलत करके ही अच्छा उनको प्राप्त करते हैं वो, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग जो है कि घर घर जाके ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए हम अपने आप को ठीक करो, हम अपने आप स्ट्रॉन्ग रहो, हम अपने आप सतर्क रहो, बी केयरफुल। आज मैं इसी टॉपिक को लेके मैं आप लोगों को फेसबुक सेटिंग में एक छोटा सा सेटिंग है उसको सिखाने के लिए मैं ये वीडियो लाया हूँ, खास करके लड़कियों के लिए। कई ऐसे लड़की है फेसबुक में, क्योंकि वो अपने प्रोफाइल बनाते हैं फेसबुक में, उनकी अच्छा खासा व्यूज भी आती हैं और फ्रेंड्स भी होते हैं, तो जो गलत व्यक्ति हैं वो उसी प्रोफाइल में जाके टैग कर देते हैं, गलत वीडियो, गलत फ़ोटो, इमेज टैग कर देते हैं। तो एक अच्छा खासा प्रोफाइल में अगर ये गंदी चीज़ें जाके बैठ जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आइए मेरे साथ सेटिंग को मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, डाटा ऑन कीजिए, मेरा ऑलरेडी डाटा ऑन है। उसके बाद आप अपने फेसबुक ऐप्स में जाइए। फेसबुक ऐप्स में जाने के बाद राइट हैंड साइड में थ्री लाइन दिखा होगा आप लोगों ने, इसको क्लिक करने के बाद सबसे पहले सेटिंग एंड प्राइवेसी आएगा। तो मेरा ऑलरेडी सेटिंग सामने ही आ रखा है, तो सेटिंग में क्लिक कीजिए आप लोग भी। सेटिंग में क्लिक करने के बाद स्क्रॉल आप कीजिए ऐसे, यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग प्रोफाइल एंड टैगिंग, इसको क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, मतलब इसका मतलब हुआ आपके प्रोफाइल पर कौन पोस्ट कर सकते हैं। कोई नहीं, किसी को भी अलाउ मत दो, यहाँ आप रखिए ओनली मी। हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, इसका मतलब हुआ कौन देख सकता है कि दूसरे आपकी प्रोफाइल पर क्या पोस्ट करते हैं। इसको भी आप ओनली मी रखिए, किसी को कोई कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखा है नीचे तीन नंबर में अलाउ अदर टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरीज, इसका मतलब हुआ है आपको पूछा है कि आप क्या चाहते हैं आपकी वीडियो फ़ोटो कोई दूसरे के मतलब उसमें प्रोफाइल में शेयर करें, ऐड करें। तो इसके लिए तो मैं बिल्कुल हाँ कहूँगा, इसको आप इनेबल रखिए, या अभी ब्लू टिक में है ब्लू टिक में ही रखिए आप उसको। अगर आपकी ब्लू टिक नहीं है ब्लू टिक में रखो, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि आप अपने फ़ोटो वीडियो को चाहते कि कोई शेयर करे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा फ़ोटो वीडियो शेयर करने से मेरा फॉलोअर्स बढ़ेगा और व्यूअर्स बढ़ेगा और हर सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग गंदे चीज़ें नहीं छोड़ते हैं वीडियो में, हम चाहेंगे कि हमारा लोग शेयर करें, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल आप कीजिए, यहाँ लिखा है हु कैन सी पोस्ट योर टैग इन योर प्रोफाइल यू ऑन योर प्रोफाइल, ठीक है। इसको भी आप बिल्कुल ही ओनली मी रखो, किसी को भी कोई परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली मी रखो। इसके बाद चौथा नंबर में लिखा When you are tagged in a post, who do you want to add to the audience of the post if they can't already see it? इसको भी भाई साहब आप ओनली मी में ही रखो,
ठीक है। अब रिव्यू, रिव्यू ऐसा चीज़ है, कोई आपको मान लो टेक करना चाहते हैं, आपको टेक करना चाहते हैं, टेक करने से पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, अब अगर उनको अलाउ करेगा, जी हाँ मैं आपको अलाउ करता हूँ, तो इसके लिए भी आप इसको ब्लू टिक में रखो, क्योंकि कोई आपको टेक करना चाहता है तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। और आ गया ये नीचे, रिव्यू व्हाट अदर पीपल सी ऑन योर प्रोफाइल, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि आपके प्रोफाइल को आप लोगों से, लोगों के पास कैसे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एक बार इसमें क्लिक करके आप अपने हिसाब से एडिट करना, प्रोफाइल एडिट करके आप रख सकते हैं, कैसे रखना है मेरा ऑलरेडी ठीक है, आप लोग इसको एडिट करके एक बार रखिए, ठीक है। तो ये नीचे फिर है, रिव्यू पोस्ट यूअर टेक इन बिफोर द पोस्ट अपीयर्स ऑन यूअर प्रोफाइल, इसको भी भाई साहब इनेबल में ही रहने दे, ब्लू टिक में ही रहने दे। माय व्यूअर्स, मैं बिल्कुल ही नया यूट्यूबर हूँ और माफ़ी चाहूँगा जहाँ तक मैंने आप लोगों को समझा पाया, बस इससे अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ है तो कृपया मेरा चैनल को प्रसाद के रूप में सबको बांटो, शेयर करो और मुझे दान के रूप में लाइक करो और प्यारा प्यारा सा कमेंट भेजो। आज के लिए इतना, में राधे राधे, नमस्ते इंडिया।